एवरीवन, आज है मेरे साथ मेरी वन ऑफ माय फेवरेट सेडान, एक प्रीमियम सेडान, जिसके बारे में बताने वाली हूँ सेवन ऐसे रीजंस दैट व्हाई यू शुड बाय दिस कार, और कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूँगी और ऐसा एक प्रो बताऊँगी, चाहे आपके पास कोई भी कार हो, ये चाहिए कार हो या लेने वाले हो, आप वो प्रो ऐड कर सकते हो। सो सबसे पहला हाईलाइट आता है, सबसे पहला रीज़न आता है इसके लुक्स एंड डिज़ाइन। आई नो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, किसी को ऐसी भी पसंद होती है, बट अगर आप इस कार को खरीदेंगे, एक तो बहुत ही प्रीमियम लगती है, इतनी बढ़िया लगती है ना जब रोड पे चलती है, स्पेशली ये वाला कलर, एक अग्रेसिव कलर। आपको स्पोर्टर कलर मिल जाते हैं, वैसे उसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बट दो ऐसे कलर है जो आपके स्पोर्ट्स कार जैसी फील देते हैं। एक तो चलने में भी जब आप इसको ड्राइव करोगे ना, पूरी पूरी आपको स्पोर्ट्स कार जैसी फील आएगी, और जब इसके जो कलर है ये ब्लू वाला कलर एंड रेड कलर, इतना अग्रेसिव, इतना रोड पे बढ़िया लगता है ना, मज़ा ही आ जाता है। मेरा ये फेवरेट कलर है, मैं बाकी कलर भी यहाँ पे शोकेस कर देती हूँ, जैसे कि ब्लू कलर, रेड कलर और बाकी 3 कलर भी, और जो कि आप डिसेंट कलर ऑप्शन मिल जाता है अगर आपने अग्रेसिव नहीं लेना। और जैसे आपने BMW 2 सीरीज की कार देखी होगी ना, कुछ उस तरह की इसकी लुक्स है, पूरी स्पोर्ट्स कार जैसी आपको फील मिलने वाली है। नेक्स्ट इसका रीज़न आता है इसका पावरफुल इंजन ऑप्शंस एंड ट्रांसमिशन। सो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 115 PS एंड 170 Nm टॉर्क। तो एक पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है जिसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर आपने ऑटोमेटिक चाहिए तो उसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ। और सेकेंड इंजन ऑप्शन जो कार एंथुजियास्ट है, उसको जिसको कम प्राइस पे स्पोर्ट्स कार जैसी फील चाहिए। आई नो मैं कंपेयर कर रही हूँ जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार आती हैं 70-80 लाख की, या फिर करोड़ों की जो स्पोर्ट्स कार आती है उससे कंपेयर कर रही हूँ, उससे तो काफ़ी सस्ती है ये स्पोर्ट्स कार। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है एंड 7 DCT जिसने स्कोडा को DSG का नाम दिया है, यानी कि डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स, उसमें आपको पावर मिलती है 150 PS एंड 250 Nm टॉर्क, 150 PS एंड 250 Nm टॉर्क। एक पावरफुल इंजन जो कि कार एंथुजियास्ट है, जिसको पूरा मज़ा चाहिए इस कार को चलाने का, इतना सुपर रिफाइंड आपको इंजन मिल जाता है, NVH लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, आपको बहुत ही जनरली आपको मज़ा आने वाला है अगर आप स्कोडा सेलेरिया परचेज करने का सोच रहे हो, तो इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ज़रूर चला के देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और स्पेशली इसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है 7 DCT विद पैडल शिफ्टर के साथ जो ऑफर किया जाता है ना, एकदम मक्खन, एकदम स्पोर्ट्स कार जैसी आपको फील देगा। नेक्स्ट इसमें जो इंजन है 7 DCT वाला, उसमें ना एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, अब देखो इसको आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाई स्पीड पे चलाओ, जिसका DCT 7 DCT है, आप जब हाईवे पे चलाओगे इसको, सिटीज़ में इसको स्लो गाड़ी को चलाओगे, तो उसमें जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, इसमें जो 4 सिलेंडर है उसमें आपको जो 2 सिलेंडर है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं, सिर्फ 2 सिलेंडर पर ये गाड़ी चलती है, जिस वजह से आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी यानी कि आपकी माइलेज बढ़ जाएगी इस कार के साथ, और माइलेज की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं, वैसे सिटीज़ में जिसकी माइलेज है 13-14 आपकी माइलेज आ जाएगी किलोमीटर पर लीटर पे, और अगर आप इसको हाईवेज पे चलाते हो तो 18-19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज माइलेज आ जाएगी। अगर इसको और प्यार से चलाते हो तो आराम से आपकी 20-21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आ जाएगी, जो कि एक अच्छा नंबर है इस गाड़ी के साथ, और ऑफकोर्स पावरफुल इंजन भी आपको ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है जो आप ऐड कर सकते हो, चाहे आपके पास अभी कोई छोटी गाड़ी है, चाहे बड़ी गाड़ी है, चाहे आप स्कोडा सेलेरिया परचेज कर रहे हो, वो है इन्वॉल्व 1 का मीटो लेमन, मेरा सबसे फेवरेट है, और एक इन्वॉल्व 1 मस्क मेरा सबसे फेवरेट है। एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस इससे आती है, जैसे एक्सपेंसिव बॉडी परफ्यूम्स नहीं होते वैसी आपको फील आने वाली है। और जब भी कोई लंबे समय के लिए मेरे पास गाड़ी आती है ना फ्लीट में, तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ, चाहे छोटी गाड़ी आई चाहे बड़ी गाड़ी आई, आगे से लेके पीछे तक इसकी फ्रेग्रेंस आती है। तो आप भी इसको ज़रूर कंसिडर करें, बहुत ही अच्छा कार परफ्यूम है, क्योंकि एक तो मेड इन इंडिया है, सेकंड बिल्कुल भी लीक नहीं होता, तो ज़रूर इसको कंसिडर करें। नेक्स्ट रीज़न आता है वेंटिलेटेड सीट।
एक स्कोडा स्लाविया और इसकी जो कज़न है फॉक्सवैगन वर्टस, उन दोनों में ही इस सेगमेंट में वेंटिलेटर सीट्स ऑफर करी जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है जब गर्मियाँ होती हैं। आई नो अब तो सर्दियाँ हैं, बट जब गर्मियाँ होंगी ना तो तब ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तब आप रिलैक्स होके गाड़ी चला सकते हो और जो फ्रंट सीट्स हैं उन दोनों में आपको वेंटिलेटर सीट्स ऑफर करी जाती हैं। नेक्स्ट इसका रीज़न आता है इसका बड़ा व्हील बेस, सेगमेंट का लार्जेस्ट व्हील बेस। अब व्हील बेस होता क्या है, फ्रंट टायर के सेंटर से लेके रियर टायर के सेंटर तक जो इसकी लेंथ होती है उसको व्हील बेस कहते हैं। 2651 mm का सेगमेंट का लार्जेस्ट व्हील बेस है। आई नो वर्टस का भी सेम है, आप दोनों गाड़ियों को एक एक कंसिडर कर सकते हो क्योंकि सेम ही गाड़ी, डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम ही है। और जितना बड़ा व्हील बेस होगा किसी भी गाड़ी का उतनी ज़्यादा अंदर स्पेस होगी। अगर उतनी ज़्यादा अंदर स्पेस होगी जो पैसेंजर है उसको नी रूम भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, यानी कि अंदर ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगी, कंफर्टेबली जो अंदर है लोग बैठ सकते हैं। बट आई नो बड़ी गाड़ी अच्छी भी लगती है, लंबी गाड़ी अच्छी भी लगती है, बट जितना गाड़ी का ज़्यादा व्हील बेस होता है टर्निंग रेडियस भी बढ़ जाता है, छोटे छोटे टर्न्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वहाँ पर ईजिली छोटे टर्न नहीं लिए जाते। और एक बेनिफिट आता है डायमेंशंस में, इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 179 mm, अप्रोक्सीमेटली 180 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है, जो कि एक सफिशिएंट नंबर है इस सेडान के हिसाब से, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी है पोर्टहोल वगैरह खड्डे वगैरह से बची रहती है, वहाँ पे दिक्कत नहीं आती, तो आराम से आप कंफर्टेबली इस गाड़ी को चला सकते हो। सबसे पहले तो बेनिफिट आ जाता है कि ये बूट ओपन करने का कंट्रोल आपको की पे भी मिल जाता है, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेशियस बूट स्पेस है, 521 लीटर्स की आपको सेगमेंट की लार्जेस्ट बूट स्पेस मिल जाती है, बट ये बाद में बताऊंगी। सो आप काफ़ी ज़्यादा सामान इस पे रख सकते हो। अब देखो आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है, इसका जो कीज़ है उस पर कंट्रोल मिल जाता है, ईजिली आप ओपन कर सकते हो बाहर से। छोटी सी, बहुत ही छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये बार बार जो टेल गेट है वो नीचे आ रहा था, जब थोड़ी सी ऐसे गाड़ी हिलती है तो अगर यहाँ पे आता है तो जब आप कई बार सामान निकालते हो तो ये हिट कर सकता है। जब आप देख रहे हो ना, जब मैं ऐसे निकाल रही हूँ कई बार गाड़ी हिल गई या किसी रीज़न से ये आ गया नीचे तो आपके सर पे हिट कर सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट हाईलाइट आता है इसका स्टीयरिंग व्हील। आपको सिर्फ एक्सटीरियर लुक या चलाने में ही स्पोर्टियर फील नहीं देता, बल्कि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको स्पोर्टियर लुक के साथ ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर किए जाते हैं, एंड क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन स्टीयरिंग पे नहीं स्टीयरिंग के पास दिया जाता है, जो आपको एक स्पोर्ट्स कार जैसी फील देता है। एंड ऑफकोर्स 7 डिस्प्ले में आपको पैडल शिफ्टर ऑफर किए जाते हैं, और इसमें आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों ही एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। एंड राइट साइड पर जो इसके स्टीयरिंग व्हील के पास पुश स्टार्ट और बटन है वो कमाल का लगने वाला है। नेक्स्ट हाईलाइट आता है इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है। आई नो इसके सेगमेंट की जो कार्स है उनमें भी सनरूफ आता है, बट मैं स्कोडा स्लाविया को बाय करने की रीज़न बता रही हूँ, जो कि उनमें से एक है। आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी एक अच्छी खासा वाइड आपको मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। इसमें आपको 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड एंड ऑटो, वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले दोनों ही ऑप्शन मिलती हैं। हालांकि पहले जब स्कोडा स्लाविया लॉन्च करी थी उसमें 10 इंचेस के आते थे, बट चिप्स की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने 8 इंचेस कर दी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर बड़ी स्क्रीन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट 8 इंचेस की भी ठीक लगती है। नेक्स्ट इसमें आपको ऑटो IRVM, LED रीडिंग लैम्प्स, वायरलेस चार्जर भी आपको ऑफर किया जाता है, ऑटो IRVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हालांकि आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं मिलती, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, 8 इंचेस का वर्चुअल कॉकपिट, डिजिटल नहीं ये ध्यान रखें, आपको वर्चुअल कॉकपिट ऑफर किया जाता है, जो देखने में आई नो स्पोर्टर फील देता है, बट अगर इसमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। कूल्ड ग्लव बॉक्स, डेड पेडल्स जो कि जब हाईवे पर चलाते हो क्रूज़ पे सेट करते हो तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है, और क्रूज़ कंट्रोल जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देती हूँ सारे फीचर्स की जो मैंने आपको अभी बताए हैं। नेक्स्ट रीज़न आता है इसकी सेफ्टी। मैंने इतने सारे फीचर्स को बता दिए तो सेफ्टी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है।
जिस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है उस पर कुशाक भी बेस्ड है, जिसको जीएन कैब की तरफ से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी है। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स, 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और भी बहुत सारे फीचर्स एंड TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, जो कि आपके डिस्प्ले हो जाता है कि आपके टायर में कितना प्रेशर है। तो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स है, बाकी मैं लिस्ट लगा देती हूँ। तो सेफ्टी में भी ये नंबर वन है। तो मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए हैं इसको बाय करने के। अब ये मैंने रीज़न्स बता दिए आपको इस कार को बाय करने में, बट कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ आप मिस आउट करोगे इस गाड़ी में। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ पेट्रोल की इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है, इसमें डीजल इंजन ऑप्शन किस तरह का नहीं दिया जाता, जो इसके सेगमेंट की जैसे होंडा सिटी है या ह्यूंडई वर्ना है, तो सिर्फ ह्यूंडई वर्ना में ही आपको डीजल इंजन ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। हालांकि होंडा सिटी में भी आता है, बट वो कुछ टाइम तक उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो सिर्फ वर्ना ही ऐसी गाड़ी होगी जिसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, जो इसकी ड्राइवर सीट है, हालांकि हाइट एडजस्टेबल है, उसको आप हाइट एडजस्टेबल है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि इस प्राइस पे वो फीचर होना चाहिए था। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है, तो आपको 360 डिग्री कैमरा कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगा। और जो इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है उसकी क्वालिटी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप ये कार कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 360 डिग्री कैमरा लगवाना चाहिए। आफ्टर मार्केट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे, इसकी हेल्प की वजह से आप इसका 360 व्यू देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो अगर आगे पीछे तो आप देख सकते हो, बट साइड वगैरह भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बाहर से लगवा सकते हो डेफिनेटली। नेक्स्ट, इसमें आपको लेदरेट सीट्स ऑफर करी जाती है, टॉप वेरिएंट में प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया, और एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको इसमें मिल जाती है। बट जिसका बेस मॉडल है, एंड बेस मॉडल में आपको सिंपल फैब्रिक सीट्स ऑफर करी जाती है, जो ठीक ठाक क्वालिटी की लगती हैं, और जो मिडिल मॉडल है उससे थोड़ी बेटर मिल जाती हैं, तो वहाँ पर इतना अच्छा फैब्रिक आपको ऑफर नहीं किया जाता। हालांकि इसका टॉप वेरियंट है उसमें हालांकि आपको काफ़ी बढ़िया ये इंटीरियर लेदरेट ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो देखो अपने अपने पे है, उसको आप कौन कंसिडर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, वो है हाई मेंटेनेंस। तो जितनी महंगी गाड़ी है उतनी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है, क्योंकि जिसकी DC ट्रांसमिशन है चलाने में तो बहुत बढ़िया है, बट उसकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा क्या आप रेडी हो इस ट्रांसमिशन के लिए, इस मज़े लेने के लिए, उसकी मेंटेनेंस भी रखने के लिए। तो ओवरऑल इस कार की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ इसका जो टॉप मॉडल है DC ट्रांसमिशन वही चलाने में मज़ा नहीं आता, बल्कि इसका जो मैनुअल है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है वो भी उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर तो आप एक कार एंथुजियास्ट हो तब तो डेफिनेटली आपको ये कार पसंद आने वाली है, अगर आप इसको बाय करोगे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले। तो अगर मैं इसके बेस मॉडल की बात करूँ, जो इसका एक्सटीरियर है वो तो टॉप जैसा लगता है, क्योंकि उसमें आपको जो स्टील व्हील है विद व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं, हालांकि टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं। बट इंटीरियर में बहुत ही बेसिक फीचर है, जैसे कि AC वेंट्स आपको किस तरह के नहीं मिलते, मैनुअल AC आपको ऑफर किया जाता है, तो इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। वो अगर आप लेते हो, अगर आपको इसकी लुक्स ज़्यादा पसंद है तो आफ्टर मार्केट आप चीज़ें लगवा सकते हो, वो मुझे इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। बट मुझे लगता है अगर आपको एक एंथुजियास्ट हो, अगर आपको गाड़ी लेनी है स्कोडा स्लाविया जैसी, एक स्पोर्ट्स व्हील कार जैसी फील चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसका टॉप मॉडल परचेस कर सकते हो इस प्राइस पे, अगर आपका इतना बजट है 15 से 20 लाख के बीच में, और स्पेस भी काफ़ी है, आराम से 5 लोग बैठ सकते हैं, हालांकि खुले डुले 4 लोग ही बैठ सकते हैं, बट एडजस्ट करना है तो थर्ड रो पे आराम से थर्ड पर्सन भी बैठ सकता है। सो ये थी मेरे तरफ से वीडियो ऑन स्कोडा स्लाविया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सिर्फ मैंने अच्छी अच्छी बात नहीं कि मैंने इसके थोड़े से प्रोज भी बता दिए, सॉरी कॉन्स भी बता दिए कि किन किन चीज़ें आप मिस करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।